ये वाला नहीं, दूसरा। और बोला गया कि आपका ट्रेलर जो है वो हम उसको सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, क्योंकि आपको कुछ कट्स दिए गए हैं और वो कट्स करने के बाद जो है वो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो दो सवाल हैं। शौक था हम लोगों के लिए, मेकर्स के लिए, संजय के लिए, हम सब के लिए। मैं बहुत ही नम्रता पूर्वक विद फुल ह्यूमिलिटी मैं सेंसर बोर्ड के चेयरमैन से आपके माध्यम से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा आज। हमारे मित्र प्रसून जोशी जी बहुत ही उच्च स्तरीय लेखक हैं फिल्म के, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी, बहुत अच्छे थॉट हैं। एक फिल्म जिसको नेशनल अवार्ड मिले हैं, बदतर हुरे को सरकार ने नेशनल अवार्ड दिया गया है, इफी में उसको अवार्ड मिला है, सरकार ने इस फिल्म को सराहा है और कहा गया है कि यह फिल्म जो है बहुत कमाल की फिल्म है, इसलिए आपको नेशनल अवार्ड दिया गया है, तालियां बजाई गई, लोगों ने फिल्म सहारा, सरकारी नुमाइंदे ने, हमारे फिल्म मेकर्स ने, जूरी ने, सबों ने। आप एक डायरेक्टर का, एक प्रोड्यूसर का मनोबल बढ़ाते हैं। उसी फिल्म के अंश से ट्रेलर बना है, एक भी शॉट, एक भी फ्रेम फिल्म के अलावा इस ट्रेलर में नहीं है, और आपने बाकायदा सेंसर सर्टिफिकेट के लिए कहा नहीं आप ये कट करिए, ये आप ये काटिए। तो या तो वो नेशनल अवार्ड गलत है, या आपका ये सेंसर सर्टिफिकेट रिजेक्शन गलत है, आप ये डिसाइड कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे इंडस्ट्री के कितने लोगों के फोन आए, ये क्या प्रोसेस है, कौन है ये लोग सेंसर बोर्ड में, सीबीएफसी में बैठने वाले जो डिसाइड करते हैं ये कि ट्रेलर रिजेक्ट किया है, आपने फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया है और आपने ट्रेलर रिजेक्ट कर दिया, किस मायने पे, किस रीजन से आपने हमारे ट्रेलर को रिजेक्ट किया है? मैं एज अ प्रोड्यूसर, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इफ्टडा, एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इम्पा, मैं सवाल पूछता हूं पूरी इंडस्ट्री की तरफ से, हमें समझाया जाए कि किस बिना पर आपने हमारे ट्रेलर को मना किया और कट्स आपने दिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरी टीम के साथ में संजय बैठा है, प्रोड्यूसर बैठे हुए, कि एक भी फ्रेम, एक भी शॉट फिल्म के अलावा जिस फिल्म को आपने सेंसर सर्टिफिकेट दिए है, जिस फिल्म को आपने नेशनल अवार्ड दिया है, जिस फिल्म को आपने सराहा है, उसका आप ट्रेलर कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट टुडे द मीडिया शुड आस्क प्रसून जोशी साहब, एंड डाउन द लाइन ऑल दोज ऑफिसर्स हु हैव रिजेक्टेड, वी आर हर्ट टुडे, we as makers, we as producers, we as directors are hurt, we have been humiliated today. आपने रिजेक्ट कर दिया, ये मतलब आप हमको समझते क्या है? आप अपने कुर्सी पे बैठे हैं तो आप बोलेंगे यही चलेगा, यही चलेगा, you are answerable today. So I request my dear friend प्रसून जोशी जी to find out who are these people who have issued this objection, this letters to us. I also appeal to our honorable INB minister Anurag Thakur sahab to initiate an inquiry against this. Aaj hum victim bane, kal dusre producers victim banenge, parso teesre banenge, ye kya dictatorship hai, ye kya dadagiri hai, ye kis bina par aap film reject karte ho, trailer reject karte hain? We are very hurt, we are very proud and we are shocked by this reaction. Raat ke 12:30 baje mujhe ek censor board ka ke senior officer mujhe message karte hain raat ke 12:30 baje ki humne aapka trailer reject nahi kiya hai, humne aap se kaha hai ki aap ye cut kariye, ye sequences nikaliye, hum aapko de denge. Baat to wahi hai na, baat to simple hi hai. Log jo tweet kar rahe hain, jo press मीडिया बात कर रहा है, ये गलत आपने मैसेज दी हुई है. आप ये कह रहे हैं कि ये सीन्स काट दीजिए, शॉक ये पोर्शन काट दीजिए, ये फ्रेम काट दीजिए,
हमको सेंसर सर्टिफिकेट दे देंगे। भैया फिल्म वही है, विजुअल्स वही है, डायलॉग्स वही है, सब कुछ वही है, और आपने रिजेक्ट कर दिया। मैं आपको दो विजुअल दिखाना चाहूँगा और आपको यकीन हो जाएगा, हमने स्पेशली वो आप लोगों के लिए लाया हुआ है। जब संजय पूरन सिंह चौहान एज अ डायरेक्टर इज रिसीविंग द नेशनल अवार्ड फ्रॉम द सेम वेरी पीपल फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट हु हैव रिजेक्टेड माय ट्रेलर, माय फिल्म ट्रेलर, दैट प्लीज डू दिस कटिंग। कठिन होता है। देखिए, जो जिन लोगों को मोटिवेट किया जाता है टेररिज्म के लिए, जो इस तरीके की चीज़ों को करते हैं, उनको एक खास तरीके से तैयार किया जाता है, जिसके लिए बहुत सारे बातों को, आइडियोलॉजीज़ को, और कभी कभी उन सब बातों को जिनको हम आमतौर पर बातें नहीं करते, उनका इस्तेमाल किया जाता है अपना पर्पस अचीव करने के लिए। सी, हम आसपास ये चीज़ें देख रहे हैं, टेररिज्म जिस कदर हो रहा है हमारे आसपास। अभी कुछ टाइम पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी यूएस के अंदर टेररिज्म की बात की है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो हिंदुस्तान बहुत फेस करता आया ही है, और फिल्में भी समाज से ही उठती हैं। ये एक इंटरेस्टिंग नज़रिया, मैं फ़िलहाल इतना ही बोलना चाहूँगा टेररिज्म को लेके, इसको देखिए और उसके बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ें एक स्पेसिफिक, मैं सिर्फ फिल्म मेकर के तौर पर बात करूं तो ज़्यादा बेहतर है कि मैं समाज या और चीज़ों के बारे में, क्योंकि जो मेरी फील्ड है मैं उसके बारे में बात कर सकता हूं, ज़्यादा बेहतर बता सकता हूं। सर मेरे का संजय, मैं सिराज सवाल है, जस्ट वन फाइनल क्वेश्चन प्लीज। सर ऑब्वियसली जो ऐसी फिल्में हैं, मेरा मानना है कि ये इंपॉर्टेंट इशूज़ है, इनके ऊपर बिल्कुल फिल्में होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। बट जो जैसे कुछ फिल्में आई हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट कहीं ना कहीं एक देखा है कि शायद एक टेम्पलेट है, और जिसके कारण फिर ये एक ये भी बात होती है कि कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटाइपिंग ऑफ दी एंटायर कम्युनिटी हो जाती है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे संजय जी? मुझे लगता है आप फिर अगेन मैं वही बात दोहराऊँगा कि आप फिल्म देख लीजिए। रही बात ये कि कोई टेम्पलेट, देखिए अगर कहीं पर कोई बुराई है और आप उसके बारे में बात करते हैं तो आप पीछे क्यों हटना चाहते हैं, चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? टेररिज्म गलत है, आप मानते हैं इस बात को? तो अगर उसके ऊपर एक फिल्म बनती है, वो बात करती है, तो ये टेम्पलेट में कहाँ से आ गई? टेररिज्म को बहुत सारा, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि यूरोप, हॉलीवुड, उन लोगों ने बहुत फिल्म्स बनाई हैं इसके बारे में, ये भी उनमें से एक है। आप इसको एक सर्टन कैटेगरी में मत डालिए। दूसरी बात, जो ये 2021 में इस फिल्म को अवार्ड मिला है, तो ऐसा नहीं है कि ये किसी फिल्म के बाद आई है या किसी टेम्पलेट का पार्ट है। हर चीज़ का अपना स्पेस है। हम एक बात कहना चाहते थे जिस चीज़ को हम प्रभावी ढंग से कहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो सिंसेरिटी के साथ में ऐसे सब्जेक्ट्स को, जो संजीदा विषयों के ऊपर फिल्म होती है, उनको ही ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, जो अभी अशोक सर ने बताया ये चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलें फेस करते हैं, फिर एक सर्टेन तरीके से आप बिना देखे ब्रांड कर देते हैं उनको। ये भी एक नज़रिया है। अगर मैं मान भी लूँ आपकी बात को, तो आप दूसरे पक्ष को सुनना क्यों नहीं चाहते उसके? तो सभी तरीके की चीज़ों के लिए स्पेस होना चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। मेरा ये नज़रिया है जिससे मैंने इस बात को कहने की कोशिश की है। मैंने टेररिज्म की बात की है, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप उसको किसी विशेष वर्ग से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। संजय जी और सिराज सैयद फ्रॉम filmfestivals.com जी, ये जानना चाह रहा था कि इस फिल्म के लिए आपने कितनी रिसर्च की, किस किस तरह की रिसर्च की, और उसको स्क्रीन प्ले में ढालते हुए और एक लेंथ में बांधते हुए क्या क्या मुश्किलें पेश आई आपके सामने? सर एक तो ये जो रिसर्च इस तरीके के सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको ऑब्वियसली करनी पड़ती है, बट फॉर्चुनेटली आज के टाइम में टेररिज्म के जितने इश्यूज़ हैं, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आपको ये मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो न सिर्फ मतलब हमारी राइटिंग टीम ने या जो दूसरा क्रू था उन्होंने, बल्कि एक्टर्स ने भी ख़ास तौर से किस लहजे के अंदर बात करनी है, बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कशॉप्स हुई, बहुत एक लंबा प्रोसेस रहा उसकी तैयारी का, सो दैट कि जैसे जिस भाषा का इसमें इस्तेमाल किया है पवन मल्होत्रा ने, वो सराइकी बोलते हैं स्पेशली, हालांकि वो पंजाबी हैं लेकिन फिर भी सराइकी, वो ये लाहौर में बोली जाती है, तो उसके एक्सपर्ट्स थे जो मतलब हर तरीके के जो चीज़ें होती हैं कि बेहतर और ऑथेंटिक तरीके से प्रेजेंट कर सकें, उसका
भरपूर ख्याल रखा गया है इसके अंदर, और ऑफ कोर्स रिसर्च की ज़रूरत होती है, लेकिन ये एक जिस खास चीज़ के बारे में बात कर रही है, आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि उसकी रिसर्च नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन जो कोट्स हैं, जो जो बातें हैं, जो डायलॉग्स के अंदर जो चीज़ें हैं, वो बहुत ऑथेंटिक और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स के साथ में डिस्कस किया गया, क्योंकि बहुत थिन लाइन होती है जब आप इस तरीके की बात करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सबको किया है। तो ऑफ कोर्स हर फिल्म की अपना एक प्रोसेस होता है, सभी लोग हार्डवर्क करते हैं, और ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा है या उसमें कम है। मुझे लगता है कि फिल्म बनाना ही बहुत मेहनत का काम होता है, तो ये नई बात मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज ये पैशन है हमारा, शौक है, और तो जो भी होता है, बिकॉज उसी दुनिया में जीते हैं, तो सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए जो पॉसिबल है वो इंसान करता है। संजय जी और अशोक जी, दोनों सवाल, अभिषेक सर, मैं इंडिया न्यूज से हूँ। मैं सवाल ये है कि क्या आप कहाँ अभिषेक तू जी इधर इधर दोनों से सवाल है। सवाल ये है सर कि क्या 72 हूरे नाम को लेकर लोगों का विरोध है? आप 72 बता रहे हैं फिल्में में शायद ऐसा कुछ नहीं होगा जो भी एक आतंकवाद को बनाया है, लेकिन क्या लग रहा है कि नाम को लेकर एक बड़ा विरोध हो गया, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर हमको आप बदनाम कर रहे हैं जो दूसरे धर्म के मुसलमान की बात करें, तो कहीं ना कहीं लगता है क्या जानबूझ कर एक धर्म को टारगेट किया गया है, इसलिए 72 हूरे नाम दिया गया है, और यही कारण है विरोध बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है जो सेंसर बोर्ड ने न दिया हो परमिशन? अभिषेक, आपने हमारे अलावा सुना है कभी 72 हूरे फिल्म के अलावा भी सुना है कि नहीं? आपने आपने मौलवियों से सुना है कि नहीं सुना है? आप न्यूज इंडस्ट्री के हैं तो आप तो रोज वो चला चला के टीआरपी बढ़ा रहे हो अपनी, है ना? मौलवी जब 72 हूरे करते हैं, डिबेट्स में भी हो रहा है सब कुछ, तो ये हकीकत तो है, ये तो आप नकार नहीं सकते हो कि हकीकत नहीं है, ठीक है ना? मैं तो कश्मीर से हूँ, तो मैं तो वहां तो हर गली में, हर कूचे में 72 हूरे का जिक्र होता है। तो ये कहना कि इट्स अगेंस्ट अ रिलीजन, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम जैसे संजय जी ने कहा, हम जो हैं इसमें सिर्फ टेररिज्म की बात कर रहे हैं, आप कैसे बरगला रहे हैं लोगों को। और अभिषेक, बात का एहसास हम क्यों जुड़े इस फिल्म के साथ? टेररिज्म को जितना नज़दीक से मैंने देखा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने देखा होगा। मेरी बदकिस्मती है कि बिकॉज मैं ऐसे इलाके का हूँ, ऐसे जगह का हूँ कि हमने दिन रात इनको फेस किया है, ठीक है ना? सो जहाँ तक सिंसियरिटी का सवाल है, जहाँ तक ईमानदारी का सवाल है, और तभी हम इस फिल्म के साथ जुड़े हैं। एक भी चीज़ इस फिल्म में वो नहीं है जो कि हमने बताई है फिल्म में। ये मैं संजय की तरफ से या प्रोड्यूसर्स की तरफ से, बाकी प्रोड्यूसर की तरफ से मैं आपको जानता हूँ, इट्स अ सीरियस इशू जो ये फिल्म रेज करती है, इट्स फॉर एवरीवन। एक रिलीजन बेस नहीं है, और ये कहना कि हम लोग किसी को टारगेट कर रहे हैं वो भी गलत है। जैसे संजय ने कहा, जिस दिन आप फिल्म देखोगे आप रियलाइज करोगे कि कितनी सीरियस फिल्म है, कितनी ईमानदारी से बनाई गई फिल्म है, और कितना इंपॉर्टेंट इशू रेस किया गया है। ये फ्रिवलस फिल्म नहीं है, ये किसी का मजाक उड़ाने वाली फिल्म नहीं है, इट्स अ सीरियसली मेड फिल्म। और संजय जिसने पहले लाहौर बनाई है, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इतना बड़ा, इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, तो एक सीरियस फिल्म मेकर आपके सामने है, एक ऐसा फिल्म मेकर है जो चीजों को समझता है, एक ऐसा प्रोड्यूसर है जो चीजों को समझता है, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी क्वार्टर, फ्रॉम एनी वन। अगर गुलाब सिंह जी या किरण जी या अनिरुद्ध या इनकी पूरी टीम खड़ी होती है, तो खाली प्रोपेगेंडा के लिए और अपने करोड़ों रुपए जलाने के लिए नहीं हो सकता ना। इतने बेवकूफ तो नहीं है, तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इन्होंने फिल्में बनाई इतनी बड़ी बड़ी, तो बेवकूफ तो कोई नहीं है। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी मेकर को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी डायरेक्टर को अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी भी प्रोड्यूसर को अंडर एस्टिमेट मत करो। उसको दिल से लगता है कि ये इशू पर डिस्कशन होना चाहिए, ये इशू पर फिल्म बननी चाहिए, वो फिल्म बनाता है। हम मोर्चे नहीं निकालते, हम फिल्में बनाते हैं। बात इतनी सी। संजय, मैं तो आपका सवाल ही भूल गया क्योंकि सर ने इतना परफेक्ट जवाब दिया है। बनीश एलिट न्यूज़ से सर, यहाँ मेरा सवाल गुलाब जी से, अनिरुद्ध एज अ प्रोड्यूसर आप दोनों से मेरा जवाब है। जैसा अभी अशोक जी ने बोला कि पैसा जलाने के लिए कोई फिल्म नहीं बनाता है, जाहिर सी बात है जब फिल्म बनी है और नाम भी ऐसा है तो कॉन्ट्रोवर्सी तो होनी ही थी, और रिलीज तक कई अड़चनें आनी थी ये भी तय रहता है, जैसा अभी ट्रेलर के साथ हो रहा है। आपके माइंडसेट में क्या चल रहा था उस समय जब आप इस फिल्म में पैसा लगा रहे थे या इन्वेस्ट कर रहे थे कि इसको आगे चल रहे, क्योंकि अड़चनें तो आनी ही है, कोई भी नहीं चाहता किसी अड़चन में फंसे, फिल्म आराम से निकल जाए, पैसे आए, सब कुछ आए, ऐसा रेवेन्यू भी दिमाग में चलता है एज ए बिजनेसमैन,
तो आप दोनों से ये सवाल है मेरा। अच्छा, जैसे मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि फिल्म बनाने का एक अवसर, और वो भी एक ऐसी फिल्म जिसमें सच बोलने का अवसर हो, और ऐसा सच जो समाज की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला हो, उसमें पैसा लगाने से पहले ये डे वन हर आदमी जो मुझसे मिला, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता था या जो कुछ भी इसके बारे में जानकारी रखता था, उसने मुझे डिमोरलाइज किया। उसने मुझे समझाया कि पैसा आप आग में डाल रहे हो, पानी में नहीं डाल रहे हो, पानी का पैसा फिर भी निकाल के सुखाया जा सकता है, लेकिन आप पैसा जला रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा एक ऐसी फिल्म के लिए लगा दूं जो एक विषय को सामने लेके आए, एक विचार को सामने रखे जिसके ऊपर वाद विवाद हो सके, जिसके ऊपर बातचीत हो सके कि ये क्या ठीक है, क्या इस तरीके से युवाओं को बगलाना और युवाओं को एक आतंक के रास्ते पे ले जाना और असंख्य लोगों की जान ले लेना, उनके परिवारों को उजाड़ देना, धन संपत्ति को समाप्त कर देना, क्या ये ठीक है? इस पे अगर हम एक विचार खड़ा कर सकते हैं, ग्लोबली हम लोगों को ये मौका दें और कहें कि आप इस पे विचार करिए और उन लोगों को कंडेम करिए जो ऐसा रास्ता अख्तियार करते हैं, धर्म का नाम लेकर के युवाओं को बर्बाद और बगला रहे हैं, उनको रोका जाए। ये विचार अगर कहीं आगे जा सकता है तो मेरा पैसा आग में जाए, पानी में जाए, मैं उसकी परवाह नहीं करूँगा। अशोक जी एक नहीं, अभी तो सेवेंथ के बाद देखा जाएगा क्या है। वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द रिलीज नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ पीपल रिएक्ट। नहीं, वी आर डूइंग इट ऑन ओन। गुलाब जी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड रिलीजिंग द फिल्म ऑन हिज ओन। या देयर इज नो स्टूडियो, देयर इज नो पार्टनर, देयर इज नो बडी। संजय, किरण जी, अनिरुद्ध एंड गुलाब जी, देमसेल्स, वी आर ऑल रिलीजिंग इट ऑन आवर ओन। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म बिकॉज वी बिलीव इन दिस फिल्म। अशोक जी, एक सवाल जी, फिल्म की टाइमिंग को लेकर था, और ये मैं एक जर्नलिस्ट के होने के नाते भी पूछ रहा हूँ, और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से ही कुछ और लोग भी थोड़े दिनों के बाद या थोड़े टाइम के बाद बात करना शुरू कर देंगे। टाइमिंग, फिल्म को बने मेरे ख्याल से 2-3 साल हो चुके हैं। 2021 में इस फिल्म को अवार्ड भी मिला, जैसा आपने दिखाया, नेशनल अवार्ड मिला। आप बात कर रहे हैं 2023 में, अब जबकि 2024 का चुनाव बिल्कुल करीब आ गया है। इस तरह की फिल्मों की बयार हमने देखी, चाहे वो केरल फाइल्स हो, कश्मीर फाइल हो, और भी बहुत सारी हैं, और लाइन में और बहुत सारी आ रही हैं, नाम मेरे पास हैं। तो आपकी इंडस्ट्री के ही लोग कहते हैं कि एक टाइमिंग को ध्यान में रखकर इस तरह का रिलीज किया जा रहा है। जो प्रोपेगेंडा, जो शब्द आपको बहुत आपत्ति है, वो यहाँ पर उठ रही है टाइमिंग को लेकर, कि एक तरह का माहौल क्रिएट करने को लेकर। और लाइन से देखा जाए तो एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर ही फिल्में, या उसके धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं उनको फिल्म के जरिए सामने लाने को लेकर ही क्यों इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है? वहां पर सवाल आपकी टाइमिंग का है, नियत का नहीं। आपसे को आपको कौन रोक रहा है वो फिल्म बनाने के लिए जो आप बनाना चाहते हैं? कोई नहीं रोक रहा ना आपको। आपको मतलब नॉट आपको, उन लोगों की बात बताऊं। मैंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर प्रोड्यूस की थी, ठीक है ना? और ये बात समझनी चाहिए, हमारे देश में हर 3 महीने में एक इलेक्शन होता है। ये 5 साल के बाद तो एक फास्ट है कि 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, हर 3 महीने में कोई ना कोई इलेक्शन है। तो इस हिसाब से तो हमारे हिंदुस्तान में फिल्में नहीं बनेंगी, फिल्में बनाने की जरूरत ही नहीं है। सो जो इशू बेस्ड फिल्म मेकर्स हैं, जो सीरियस फिल्म मेकर्स हैं, वो तो फिर फिल्म बना ही नहीं पाएंगे। फिर हमको तो टारगेट रखा यार, 3 महीने के बाद इलेक्शन आने वाला है, चुनाव आने वाला है, फिल्म मत बनाइए। ये जो कॉम्प्लिसिटी है और ये गिल्ट की फीलिंग जो है ना, वो मेकर्स में नहीं होती, वो प्रोड्यूसर्स में नहीं होती। कोई भी किसी भी फिल्म को आप लेके चलो, वो टारगेट, वो एक अपना शेड्यूल बनाता है, उसको इंस्पायर करता है फिल्म मेकर को, संजय को, गुलाब जी को, सबको। एक सब्जेक्ट जब हम सब बैठते हैं और हमारे दिमाग में ये आता नहीं है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, हमारे पॉलिटिकल बिलीफ सबके अलग अलग अपने अपने हैं, हर आदमी के अपने पॉलिटिकल बिलीफ्स हैं, बट दैट डजंट कम इन द विद ऑफ मेकिंग अ फिल्म। ये चीज़ें हम लोग को दिमाग से निकाल देना चाहिए। हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं है, पहली बात तो ये बताइए। ये पॉलिटिशियंस होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि यार 4 साल के बाद, 3 साल के बाद चुनाव है, चले पेट्रोल बांटना शुरू करते हैं, खाना बांटना शुरू करते हैं। वी आर नॉट दैट क्रिएट, ट्रीट अस लाइक क्रिएटिव पीपल मेकर द वे यू आर क्रिएटिव पीपल। हमको उस लेवल पे मत लेके आओ, यू नो, डोंट गेट अस इनटू दैट लेवल वेयर वी आर इतने इंटेलिजेंट हम लोग कि हम पॉलिटिकल सिनेरियो देख के हम फिल्में बनाएंगे, ऐसे नहीं होता है। संजय ने जब फिल्म बनाई थी या सोचा था तो उसके स्क्रिप्टों पे काम हुआ है, टाइम लगा है। सो दिस थिंकिंग और दिस लॉजिक और दिस फिलॉसफी ऑफ मेकर्स टाइमिंग द फिल्म एज पर द इलेक्शंस, वी ऑल टोटली रिफ्यूज इट, एंड आई थिंक
देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग ऑन दिस थिंग. फिर तो बोलने के लिए तो आदमी कुछ भी बोलता है, उससे कुछ भी हो सकता है. अशोक जी मेरा सवाल यह है कि रवि एबीपी एक सवाल ये रवि ने और मैंने शर्ट के कलर पहनी है तो बोलने दो उसको. बोल रवि. सर एक सवाल था, एक सेकंड लिख के लाया तू. नहीं नहीं एक सवाल था कि ये फिल्म पहले सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसको नेशनल अवार्ड भी मिला है. मैंने संजय पूरन सिंह का इंटरव्यू भी किया था घर जाकर जब इसे नेशनल अवार्ड मिला था. मेरा सवाल है कि इसे दोबारा रिलीज करने की आवश्यकता आप लोगों को क्यों महसूस हुई, इसके पीछे की कुछ वजहों पर अगर आप लोग गौर फरमा सके तो अच्छा होगा. तो तू दूसरी बार देख ले फिल्म, क्या प्रॉब्लम है. सर मैं दे दूं इसका जवाब. रवि जी ये कहाँ रिलीज हुई थी फिल्म? सिनेमा घर. आप रिसर्च करके आए होंगे. कुछ सिनेमा घरों में तो रिलीज हुई थी और जैसे नेशनल अवार्ड तो फिल्म रिलीज होने के सिनेमा घरों में रिलीज हो तब भी मिलता है. आपकी रिसर्च पूरी नहीं है. नेशनल अवार्ड के लिए सेंसर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है कि वो हिंदुस्तान में बनी है और उसके लिए रिलीज की जरूरत नहीं होती है. तो ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है. ये अक्सर हम मान लेते हैं जब उसको बोलते हैं इफ़ी के अंदर वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पहली बार ये फिल्म दिखाई जा रही है. 2000 जो ये कोविड से पहले ये इफ़ी के अंदर फिल्म दिखाई गई थी, जहाँ पर कुछ फिल्म क्रिटिक्स ने इसको देखा था और रिव्यू किया था इस फिल्म के बारे में. क्योंकि जब आप दिखाते हैं यही एक सिस्टम होता है फिल्म्स को लेके. कमर्शियल रिलीज़ ये अब हो रही है. अच्छा मुझे बताया गया था टीम की तरफ से कि कुछ सिनेमाघरों में रिलीज. जिसने तेरे को बताया वहाँ पर भेज देना उसको. अशोक जी एक सवाल मेरा है. मेरा सवाल एक ये है कि मतलब CBFC बोर्ड से तो मतलब जैसा आपने कहा कि सिनेमा के लिए तो पास हो गई है, बट अगर एक बार जब रिलीज़ हो जाएगी तो उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स होंगे, नेटिजन्स होंगे जो है बॉयकॉट करेंगे फिल्म को, तो क्या उसके लिए भी तैयार हैं आप लोग? हमारे सबके पास AK-47 है हाथ में, टेंशन मत ले तू. आपने बोला कि सेंसर बोर्ड की बातें आपने तमाम बातें की, क्या आप पर्सनली प्रसून जोशी सर से मिलने वाले हैं, आपके दोस्त भी हैं, आप पर्सनली उनसे बात करेंगे इस बारे में और किस तरह से सॉल्व करेंगे? लेट्स सी कैसे हाउ थिंग्स टेक ऑफ. मैं आज तो नहीं बता सकता. हो सकता है प्रसून मिले मेरे को, मिलने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी, हम लोग एक ही इंडस्ट्री के लोग हैं. दैट्स नॉट, वी हैव रेज्ड एन इशू टुडे रवि. अशोक जी झगड़ा थोड़ी है, कोई मारामारी थोड़ी है. इट्स एन इशू व्हिच वी हैव रेज्ड, दैट्स एज इंपॉर्टेंट एज दैट. जी बोलिए. जी अशोक जी मैं स्मिता दैनिक जागरण से. अशोक जी आतंकवाद पे बहुत सारी बातें चर्चा होती हैं, खबरें भी आती हैं, फिल्में बहुत कम बनती हैं या तो लार्जर देन लाइफ होती है. रियलिस्टिक फिल्में आप थोड़ा आना शुरू हुई हैं. केरल स्टोरी में जो भी हुआ बहुत सारी चीज़ें लेकिन दिखाई भी गई कि क्या चीज़ें होती हैं. तो आपको लगता है कि कुछ लोग जागेंगे, जो नई पीढ़ी है जो रास्ता भटक जाती है उसके लिए कहीं ना कहीं ये एक कहना चाहिए टॉर्च बेयरर की तरह काम करेगा. ये फिल्में कहीं ना कहीं उनको रास्ता भटकने से रोकेंगी भी, क्योंकि इस पहलू पर बहुत कम बातें होती हैं. संजय जी आप चाहें तो आप भी जवाब दे सकते हैं. मैम एक बार रिपीट कर दीजिए. मेरा ये कहना है कि आतंकवाद के को लेके जो फिल्में बनती हैं उस पर मेनली धर्म बाकी चीज़ों पे चर्चा होती है, लेकिन ये क्यों जन्मा, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं उस पर चर्चा बहुत कम होती है. तो इस तरीके की फिल्में बनने के बाद आपको लगता है कि जो लोग इस तरीके के रास्ते पे चल पड़ते हैं या जो मजबूरन आते हैं उनको कितना दिशा दिखाने में काम करेंगी ये फिल्में? मैम मुझे मैं बहुत ज़्यादा सिनेमा से उम्मीद नहीं रखता कि वो चीज़ों को बदल दे.